आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पीएम नरेंद्र मोदी के रांची आने के 3 बड़े कारण। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में 100 योग सेंटर खोलेगी राज्य सरकार। भाई नीरज की हत्या में विधायक संजीव की पेशी। आजसू ने अनाथ बच्चों के साथ मनाया सुदेश महतो का जन्मदिन। लालू यादव को झटका, नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 5 जुलाई को। आजसू के संघर्ष और त्याग के 33 साल पूरे। 22 जून को स्थापना दिवस, सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प दिवस मनेगा। दुमका में मानवता शर्मसार, आदिवासी प्रेमी जोड़े को निर्वस्त्र कर घुमाया। राजधानी में बही योग की धारा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची के प्रभात तारा मैदान में 40,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम ने करीब 45 मिनट तक योग किया। इस दौरान उन्होंने 13 आसन किए। पीएम ने कहा कि रांची आना और यहां प्रकृति के बीच योग करना सुखद अनुभव देने वाला है। उन्होंने रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे 3 वजहें खुद बताई। उन्होंने कहा कि पहला कारण है कि झारखंड प्रकृति के करीब है। दूसरा कारण, रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता काफी पुराना है। पिछले साल हमारी सरकार ने इसी धरती से गरीबों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। तीसरा कारण बताया कि योग हमारी संस्कृति का हिस्सा है। झारखंड में छऊ नृत्य में योग के आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब यहां से हमें योग को आगे एक अलग स्थान पर ले जाना है। योग को गरीबों और आदिवासियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आधुनिक योग की यात्रा देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में उस तरह से नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में योगाभ्यास से पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि योग से झारखंड का पुराना नाता है। संथाली हो, मुंडा समेत अन्य जनजातियां समुदाय भी अपने सांस्कृतिक और दैनिक जीवन में योग को अपनाए हुए हैं। कर्मा, सरहुल सहित अन्य पर्व में योग की झलक देखने को मिलती है। यहां के संस्थान भी योग को लेकर गंभीर हैं। फिर वो रामकृष्ण मिशन हो या देवघर का रिखिया धाम, वर्तमान में 340 योग केंद्रों में योग की शिक्षा दी जा रही है। 100 और सेंटर प्रारंभ करने की योजना सरकार की है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। धनबाद के कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्याकांड मामले में शुक्रवार को विधायक संजीव सिंह की पेशी और गवाही हुई और उनके बयान को कलमबद्ध किया गया। सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की गई है। रांची हाईकोर्ट के सीनियर वकील बीएन त्रिपाठी ने बचाव पक्ष की ओर से बहस की। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित निष्पादन करने को कहा था, लेकिन हत्या के 2 वर्षों से अधिक गुजर जाने के बाद भी अब तक गवाही तक पूरी नहीं हो सकी है। बता दें कि नीरज सिंह की 21 मार्च 2017 को सराय ढेला में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मेयर के भाई अभिषेक सिंह ने बताया कि बहुत जल्द सच की जीत होगी। वहीं संजीव के वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ गया है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। आजसू ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को उनके जन्म दिवस की बधाई दी एवं उनका जन्मदिन आंचल शिशु आश्रम के अनाथ बच्चों के बीच मनाया। आजसू के कार्यकर्ता सर्वप्रथम सुदेश महतो से मिलने पहुंचे और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनको जन्मदिन की बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य और सदा स्वस्थ रहने की कामना की। इसके बाद आजसू के कार्यकर्ता आंचल शिशु आश्रम पहुंचे एवं अनाथ बच्चों के साथ केक काटकर बच्चों के बीच मिठाई एवं शिक्षण सामग्री बांटकर सुदेश के जन्मदिन को मनाया। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को भी जमानत नहीं मिली। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट से 2 सप्ताह का वक्त मांगा। कोर्ट ने सीबीआई को 5 जुलाई तक का समय दिया और कहा कि उसी दिन याचिका पर सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के वकील ने जमानत याचिका में दलील दी है कि देवघर कोषागार से निकासी मामले में वह आधी से अधिक सजा भुगत चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने 3.5 साल की सजा सुनाई थी। इस केस में लालू प्रसाद 25 महीने जेल में बिता चुके हैं। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर।
आजसू पार्टी 22 जून को स्थापना दिवस मनाएगी। इसके तहत पार्टी राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प दिवस कार्यक्रम करेगी। संकल्प दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी जगहों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि 22 जून 1986 को पार्टी की स्थापना हुई थी। संघर्ष और त्याग के साथ आजसू ने 33 सालों का सफर पूरा किया है। संकल्प दिवस मनाने को लेकर सभी जिलों के अध्यक्ष तथा सचिवों को पहले ही आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं। साथ ही केंद्रीय पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। आजसू पार्टी की इस बार लोकसभा में भी भागीदारी हुई है, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी अपनी पहुंच और पकड़ को और कैसे आगे ले जा सके, इस पर भी विचार विमर्श किए जाएंगे। संकल्प सभा में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली में, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ में, मंत्री रामचंद्र सहिस जुगसलाई, राजकिशोर महतो टुंडी, उमाकांत रजक चंदन क्यारी, रोशन लाल चौधरी बड़कागांव, राजेंद्र मेहता कांके, डॉक्टर देवशरण भगत खिजरी, लंबोदर महतो गोमिया, मंटू महतो सिंदरी में भाग लेंगे। अब नजर डालते हैं आज की 7वीं प्रमुख खबर पर। दुमका के सरायाहाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मानवता उस वक्त शर्मसार हो गई जब ककनिया गांव में आपत्तिजनक हालत में मिले प्रेमी जोड़े को तथा कथित समाज के ठेकेदारों ने युवक के साथ पकड़ी गई नाबालिग युवती को निर्वस्त्र कर अर्धनग्न अवस्था में पूरे बाजार में घुमाते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस तथा कथित जोड़ी का वीडियो दिन भर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार ककनिया गांव की उक्त युवती की शादी थी। शादी समारोह के दौरान ही खेत में आरोपी युवक के साथ उक्त नाबालिग लड़की को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में देख बंधक बना लिया। दोनों के साथ जमकर मारपीट कर दोनों के कपड़े फाड़ डाले। कुछ ग्रामीणों ने दोनों को अर्धनग्न कर सरायाहाट बाजार में घुमाते हुए सरायाहाट थाने को सुपुर्द कर दिया। बाजार में घुमाने के क्रम में सरायाहाट में मानवता को शर्मसार कर दिया। लोगों ने नाबालिग युवती को उक्त युवक के साथ घुमाते हुए न केवल वीडियो बनाया बल्कि कई सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल भी किया। अब नजर डालते हैं आज की 8वीं प्रमुख खबर पर। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में 21 जून को योग दिवस पर योग की धारा बहती दिखी। स्कूल कॉलेज से लेकर विभिन्न संस्थानों में योग के कार्यक्रम हुए। रांची विमेंस कॉलेज में 3000 छात्राओं ने 500 शिक्षकों संग योग किया। कॉलेज के साइंस ब्लॉक के ग्राउंड में छात्राओं ने योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। साथ ही योग की शिक्षिका किरण प्रसाद के द्वारा योग के महत्व के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं प्रेमचंद महतो इंटर कॉलेज में भी छात्रों और बच्चों ने मनोयोग से योग किया। छात्राओं ने कई आकर्षक प्रस्तुति भी पेश की। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।